है टोयोटा हाइलक्स, तो देख सकते हो सेंटर में है इसके टोयोटा का एकदम लार्ज बिग लोगो, एंड राइट और लेफ्ट में आपको मिलते हैं देखने के लिए इसके हैलोजन हेडलैम्प जो कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ में आते हैं, जिसमें आपको DRL भी देखने को मिलेगा, और साइड में ही एकदम वेरी स्टाइलिश वे में इन्होंने प्लेस करे हैं इसके इंडिकेटर। और उसी से नीचे की तरफ चलोगे तो आप देखोगे प्रोजेक्टर इसके फॉग लैम्प हैं जो कि बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। तो वापस चलते हैं कार के एकदम कंप्लीट व्यू के साथ में और बात करते हैं कुछ इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसमें जो आपको इंजन स्पेसिफिकेशन मिलता है वो है 2755 cc का इंजन, एंड ये डीजल वेरिएंट है जो कि 4-valve एंड इन लाइन इंजन में आके आपको मिलता है। और पावर की बात करें तो इसमें आपको 204 PS का पावर एंड 420 Nm का टॉर्क मिलता है, एंड इसमें आपको पेलोड कैपेसिटी 470 kg की मिलती है। ये है इसका साइड प्रोफाइल का लुक जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, एंड इसकी रोड प्रेजेंस एकदम अल्टीमेट है। एंड लेके चलते हैं आपको ड्राइविंग साइड के साइड प्रोफाइल की तरफ। आपको ड्राइविंग साइड से भी काफ़ी अट्रैक्टिव लुक ऑफर करती है कार। आगे बढ़ते हैं कार की तरफ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन की तरफ। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो टायर प्रोफाइल ऑफर कर रही है कंपनी वो है आपके लिए 265/60R18। ये एक सिल्वर फिनिश का अलॉय है जो कि आपको 18 inches अलॉय के साथ में 18 inches टायर के साथ। तो विदाउट एनी अडू कार के अंदर चलते हैं, सीट के ऊपर बैठ के कंफर्ट और सिटिंग पोस्चर आपको चेक करके बताएंगे। डोर हैंडल क्रोम फिनिश में है, चलते हैं अंदर। तो अंदर से आप देख सकते हो कि आपको टोयोटा हाइलक्स में क्या क्या ऑफर होता है। बात करते हैं डोर ट्रिम की, तो आपको डोर ट्रिम पर सॉफ्ट टच देखने के लिए मिलेगा, सिल्वर लाइनिंग है, डोर लॉक अनलॉक बटन, एंड जो लीवर है वो आपको क्रोम फिनिश में देखने के लिए मिलता है। एंड उसी के साथ में पियानो फिनिश पे आपको ऑल 4 पावर विंडो के एक्सेस मिलेंगे, डोर लॉक अनलॉक बटन एंड पावर विंडो के एक्सेस ऑफ एंड ऑन के, एंड आपको ORVM के फोल्ड एंड अनफोल्ड के बटन मिलेंगे, एंड एडजस्ट करने के लिए भी बटन मिलेंगे। एंड डोर पे आपको बॉटल होल्डर एंड मैप होल्डर, इधर ही आपको स्पीकर ग्रिल देखने के लिए मिलेगी। एंड ऊपर की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ट्विटर, ये है एक ग्रैब आर्म जो कि आपको हेल्प करता है कार में अंदर बैठने के लिए। एंड ये है टोयोटा हाइलक्स का स्टेयरिंग। अगर स्टेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इसमें आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल मिलेंगे, एंड उसी के नीचे आपको क्रूज कंट्रोल के सारे एक्सेस मिल जाते हैं। राइट हैंड साइड की तरफ आपको देखने के लिए मिलेंगे हेडलैम्प के एक्सेस, एंड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखने के लिए मिलेंगे आपको वाइपर के एक्सेस। एंड ये है इसका राउंड डायल स्टेयरिंग जो कि 4 spokes में आता है। एंड फिलहाल जिस पे हम बैठे हैं उसी सीट की बात करते हैं, तो आप देखोगे इसकी जो सीट है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलती है, जिसको कि आप आगे सरका सकते हो इस आगे की तरफ बटन करके, पीछे की तरफ सरका सकते हो पीछे की तरफ बटन करके, एंड जो आपका रेस्ट है उसको आप रिलैक्स एंड स्ट्रेट मोड में कर सकते हो इस लीवर की हेल्प से। अगर इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन मिलता है, एंड उसी के साथ में आपको AC वेंट भी प्लेस मिलेगा। AC वेंट पे आप देखोगे क्रोम फिनिश का वर्क मिला है, एंड आपको सिल्वर वर्क भी देखने के लिए मिलता है। एंड इसमें ये हार्ड जो प्लास्टिक है ये आपका जो टेक्सचर है एकदम आपको लेदर वाला लुक देगा, लेकिन ये हार्ड प्लास्टिक है। एंड इसी के साथ में आपको दिखाते हैं इसकी की। जब बात हो रही है टोयोटा हाइलक्स की तो इसकी की दिखाना बिल्कुल बनता है, इसमें कि आपको अनलॉक एंड लॉक का फीचर मिलेगा, एंड इसी में ही प्लेस है इसकी फिजिकल की, जिसको कि ओपन करने के लिए आप इस लीवर को पुश करोगे एंड ये की आपके सामने आ जाएगी। ये एक वेव की है जो कि एक बैटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। बात करते हैं कार के MID की तरफ से, तो कार के MID को ऑन करने के लिए पहले करते हैं आपके सामने इंजन स्टार्ट। इंजन से पहले भी इसको हम एक्सेसरी मोड पे लेके आते हैं, प्रेस ब्रेक तो स्टार्ट, बट अभी हमें स्टार्ट तो करनी नहीं है। ये आपके सामने आ गई है टोयोटा हाइलक्स। वाओ, बहुत ही सुंदर इसका MID है जिसमें कि काफ़ी सारे फीचर्स आप देख सकते हो। बिल्कुल
इसका जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो एलईडी वाला है, आप देख सकते हो वाइट कलर की लाइट है सामने। एंड इसमें भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटो, लो बीम। टोयोटा हाइलक्स के इंफोटेनमेंट क्लस्टर में ही काफ़ी सारे आपको वार्निंग लाइट्स एंड काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ से, तो राइट में आप देखोगे इसमें स्पीडोमीटर है जो कि 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड तक जाता है। एंड उसी के नीचे आपको जो फ्यूल की नेडल है वो नज़र आएगी, फिलहाल एम्प्टी पे है, कोई बात नहीं जब भी चलाएंगे डलवा लेंगे। एंड सेंटर में है इसका MID जिसमें कि आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल वो मैं कह रहा है डी प्रेस ब्रेक एंड देन स्टार्ट इंजन, तो भाई अभी तो ये काम करने वाले नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर शोरूम में खड़े हुए हैं कार को लेके। एंड उसी में आपको देखने को मिलेगा ऊपर पार्किंग के आपको ऑप्शंस नज़र आ रही है। एंड चलते हैं इसके वार्निंग लाइट्स की तरफ, तो इसमें हर तरह के वार्निंग लाइट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि पार्किंग के, हैंड ब्रेक के, सीट बेल्ट के, फ्यूल का और हेडलैम्प्स रिलेटेड। एंड लेफ्ट में आप देखोगे ये आपका RPM मीटर है, ये बताता है कि इंजन के RPM कितने हैं, जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं उसको आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके नीचे आपका टेम्परेचर है जो कि इंजन कूल की तरफ है, ये आपके सारे नोटिफिकेशंस यहाँ पर MID के यहाँ पर कवर हो जाते हैं आपके सामने। तो यहाँ पर अभी हमने क्या करा है, जो इसके कंट्रोल्स हैं वो एक एक करके कोशिश करेंगे यूज़ करने की, जो भी हम आपको यूज़ करके दिखा सके। यहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ आपको सारे MID के कंट्रोल मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो उसने स्पीड बता दी है, डिजिटल स्पीड है, ठीक है। और यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्शन के आपको ऑप्शंस दे रहा है सारे ये। एंड फिर यहाँ पर ये वार्निंग लाइट्स हैं, एंड फिर ये सेटिंग्स हैं, और अगेन ये आपको लेके आ गया है डिजिटल स्पीड के ऊपर, ठीक है। एंड एड ब्लू जो कि BS6 कार में ऐड होता है, ये उसके बारे में बता रहा है उसका लेवल। एंड करंट आफ्टर रेस्ट, तो इस तरीके से आप इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप देख सकते हो। एंड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आपको सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल मिलते हैं, प्लस माइनस एंड अप एंड डाउन मोड और स्पीक के, एंड कॉल, कनेक्ट डिसकनेक्ट के सारे हैं। एंड सेंटर में है अगेन टोयोटा का लोगो, सेंटर में एयरबैग, एंड ये 4-स्पोक स्टेयरिंग है जिसमें कि आपको 2-स्पोक कलर्ड मिलते हैं जो कि सिल्वर फिनिश में, काफ़ी अच्छा इसका कंफर्ट है ग्रैब करने का। आगे बढ़ते हैं डैशबोर्ड की तरफ, इसका डैशबोर्ड नॉर्मली फ्लैट नहीं है, काफ़ी अच्छे कर्व्स दिए हैं इसमें। एंड जो अगेन मैं आपको बताऊंगा जो हार्ड प्लास्टिक है उसमें ग्रेन्स और कुछ स्टिच का ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है जैसे कि आपको लेदर फिनिश का फील मिलेगा। सेंटर में है इसके क्लॉक, एंड आप देखोगे इसके AC वेंट्स बहुत ही यूनिक डिज़ाइन में हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड थ्रू आउट द डैशबोर्ड पहले आपको एक सिल्वर लाइन मिलेगी, एंड उसी के साथ में एकदम प्रॉपरली मर्ज क्रोम फिनिश की लाइन देखने के लिए मिलेगी। एंड इसके जो पैसेंजर एयर बैग है उसका स्टेटस बताया गया है। एंड इसमें आपको दो ग्लो बॉक्स मिलते हैं, तो ये जो अपर वाला है ये आपको कूल मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें वेंट बना हुआ है। एंड लेके चलते हैं आपको नीचे वाले ग्लो बॉक्स की तरफ, तो ये भी काफ़ी डिसेंट स्पेस के साथ में आता है, आप इसमें काफ़ी सारे टिकट्स एंड ऑल रख सकते हो। एंड सेंटर में आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें ऑटोमेटिक IRVM, यस ये अपने आप ही रात के हिसाब से कलर चेंज कर लेगा, और आपको बिल्कुल भी पीछे से आने वाली लाइट जो कि इस वाले मिरर में पड़ के आपकी आंखों में डलती है वो नहीं आने देगा बिल्कुल। एंड देखते हैं इसके सनशेड, तो बिल्कुल इसमें सिर्फ टिकट होल्डर है। एंड अदर साइड का देखते हैं, तो जो को ड्राइवर साइड का है उसमें वैनिटी मिरर है, इसमें लाइट एक्सपेक्ट की थी मैंने बट इसमें लाइट कोई भी नहीं है, कुछ भी लाइट नहीं जल रही है, कोई बात नहीं। एंड देखते हैं इसमें जो आपको केबिन लाइट मिलती है वो कुछ किस तरीके की नज़र आती है, इस तरीके से जला के इस तरीके से ऑफ कर सकते हैं। एंड इसमें है यहाँ पर सनग्लास होल्डर, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में हम आपको लेके चलते हैं इसके को पैसेंजर डोर ट्रिम की तरफ, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा डोर लॉक अनलॉक का की, एंड उसी के साथ में लीवर जो कि क्रोम फिनिश में आता है। एंड अगर हम डोर की बात करें आगे, इसमें आपको ऑटोमेटिक पावर विंडो के एक्सेस मिलते हैं, ये ऑटो पिंच का बटन है इसलिए इस पर A बना हुआ है। ऑटो पिंच क्या होता है कि अगर आप इस बटन को दबाओगे डीप नीचे की तरफ, तो ये एक बार नहीं आप देख रहे हो पूरी विंडो नीचे की तरफ चली जाएगी। एंड ऐसे ही अगर इसे ऊपर करना हो तो यस ये देखो बिल्कुल एक बार में ही पूरी विंडो ऊपर चली गई। ये ऑटो पिंच का फीचर बहुत ही अच्छा होता है।
अब बात करते हैं सेंटर कंसोल से। तो सेंटर कंसोल में इसमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा टोयोटा हाइलक्स में। जैसे कि सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ऑटो एसी का फीचर है, ठीक है, इसमें ऑटोमेटिक एसी आता है। एंड दूसरा तरफ आप देखोगे यहाँ पर डुअल एसी आता है, मतलब कि जो ड्राइवर है और जो को ड्राइवर है वो दोनों अपने लिए अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। अगर आप इधर बैठ के कार चला रहे हो और आपके डैड बैठे हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो आप उनके लिए डिफरेंट क्लाइमेट कंट्रोल सेट कर सकते हो। लाइक आपको चाहिए टेम्परेचर 25 का और उनको चाहिए टेम्परेचर 30 का, तो आप दोनों के लिए अलग अलग टेम्परेचर दोनों के हिसाब से सेट कर सकते हो। एंड बात करते हैं फर्दर फीचर्स के बारे में, तो आप देखोगे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एयर फ्लो के कंट्रोल बटन बने हुए हैं। ये फैन की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, ये डीफॉगर के लिए है, और ये है आपके एयर फ्लो के लिए, ठीक है। नीचे की तरफ चलते हैं, इसमें ये डाउनहिल असिस्ट है, एंड दूसरा इधर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल है, एंड 4x2 and 2x2 में चेंज करने के लिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको मोड दिए गए हैं। इसमें आपको 2 12 वोल्ट के सॉकेट मिलते हैं, एक राइट की तरफ है, एक लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। एंड इधर आपको यहाँ पर इसके मोड चेंज करने के लिए भी की मिल जाती है, जैसे कि H2 और H4 एंड L4 में आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये है इसका सेंटर में 2 कप होल्डर है, एंड इधर आपका मोबाइल होल्डर है। एंड उसके बाद सेंटर में आप देखोगे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का गियर लीवर है, जिसमें कि फर्स्ट आपको पार्किंग देखने के लिए मिलेगा, फिर रियर है, उसका न्यूट्रल है, एंड फिर ड्राइव। ड्राइव में अगर आप लेफ्ट की तरफ ले आओगे तो आप अपने आप ही मैनुअली गियर प्लस और माइनस कर सकते हो। बहुत ही कंफर्टेबल रहता है ऑटोमेटिक व्हीकल को चलाना। तो अगर इतनी बड़ी अगर आप कार हो तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में होना बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इको एंड पावर मोड देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छा इकोनॉमी भी देगा और जरूरत पड़े तो आपको पावर भी इंजन आपको निकाल के देगा। एंड थोड़ा सा और पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस और दे दिया गया है सामान रखने के लिए। एंड उसके बाद माई गॉड इतना चौड़ा इतना बड़ा, ये जो आपको दिख रहा है आप आर्म रेस्ट, अगर आप ड्राइवर की साइड बैठे हैं और आपको को ड्राइवर दोनों बैठे हुए तो दोनों अपने अपने एल्बो रख के इसमें भाई वाह बहुत आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। एंड इसको आप खोल के देखते हैं तो भाई स्पेस भी इसमें खूब भरपूर है, आप इसमें काफ़ी सारा सामान रख सकते हो। एंड नीचे इसमें एक और सॉकेट है जो कि देखने के लिए मिलता है, तो जैसे कि आप लैपटॉप चार्जर देखते हो उस तरीके का इसमें है, बहुत ही बढ़िया। तो ये तो रहा इसके फ्रंट केबिन का इंट्रोडक्शन, एंड अब आपको लेके चलते हैं इसके रियर आइल में। तो पहली बात तो हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहीं से दे देते हैं। जैसे कि आप देखोगे सेंटर में इसमें एक और केबिन लाइट है, ठीक है, तो इसमें 3 तो केबिन लाइट हो गई है। एंड थोड़ा सा स्पेस आपको इसका यहीं से चेक करा देते हैं, काफ़ी स्पेशियस है, एंड इसकी सीट भी काफ़ी डीप नज़र आ रही है मेरे को, बट असली मज़ा तो तभी आएगा जब हम पीछे की तरफ चलेंगे। तो यहाँ से उतरते हैं और बढ़ते हैं, अभी चलते हैं आपको रियर आइल में टोयोटा हाइलक्स के, एंड करते हैं एंट्री। देख सकते हो आप काफ़ी मैसिव ड्रोवर है, ऐसी बड़ी कारों के लिए आप बिल्ड क्वालिटी की तो बात करना बिल्कुल छोड़ ही दो, क्योंकि ऑलरेडी आपको सब कुछ एकदम बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का मिलने वाला है। तो अगर आप डोर ट्रिम पे देखोगे तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच देखने के लिए मिलेगा, एंड उसी के साथ में ग्लॉसी फिनिश के जो डोर आर्म है उसी पर ही आपको ऑटो पिंच देखने के लिए मिलेगा पावर विंडो के लिए। एंड यहाँ से चलते हैं कार के अंदर, तो काफ़ी गहरी सीट है, आपको अच्छा थाई सपोर्ट मिलेगा, एंड काफ़ी रिलैक्सेबल बैक भी है। तो चलते हैं कार के अंदर और फर्दर चीज़ें चेक करते हैं इसकी। तो भाई रियर आइल में इसके अंदर आने के बाद सबसे पहले जो की अट्रैक्शन है वो जाती है आपकी डुअल एसी के ऊपर। आप देख सकते हो 2 वेंट हैं इसमें एसी के, एंड डुअल एसी मैंने इसलिए बोला क्योंकि आगे देखने के लिए आपको इसमें डुअल एसी मिलता है, आप डुअल क्लाइमेट कंट्रोल सेट कर सकते हो ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए, जो कि मैंने आपको पहले बताया। एंड रियर आइल के स्पेस की बात करते हैं तो भाई काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें, ठीक है, एंड आप सीट्स देख सकते हो काफ़ी गहरी है। एंड सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है, ये मैंने फ्री फॉल कराया आपके लिए, आप इसकी हैवीनेस चेक कर सकते हो, 2 इसमें ग्लास बड़े आराम से आ जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आप इसमें आराम से हाथ रख के बैठ सकते हो, ऐसे ही आपके जो भी साथ में जाएंगे उनका भी हाथ बड़े आराम से आ जाएगा, काफ़ी वाइड है, ठीक है। एंड अब आपको चेक कराते हैं इस कार का अंडर थाई सपोर्ट कितना है। बिल्कुल मेरी हाइट है 5'7", ठीक है, एंड मेरी बॉडी एक मीडियम टाइप की है, ना तो मेरी लेग्स बहुत ज़्यादा लंबी हैं और ना ही मेरा अपर पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा है, दोनों प्रोपोर्शनेट है एकदम। तो आप देख सकते हो मेरे थाई में प्रॉपरली एकदम नीचे तक पूरा सपोर्ट है बहुत अच्छे से,
एंड अगर बात करें लेग रूम की तो लेग रूम भी आप देख सकते हो, जो ड्राइविंग साइड की जो सीट है वो पूरी पीछे की तरफ की हुई है मैंने, उसके बाद भी इतना मोटा मुझे लेग रूम देखने के लिए मिल रहा है। और मेरा हाथ लगा तो मुझे कुछ दिख गया, इसलिए मैंने आपके लिए इसकी जो पॉलिथीन है वो निकाल दी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पॉकेट मिलता है पेपर वर्क रखने के लिए, एंड ये आपको यहाँ पर मैक्सिमम 4 kg कैपेसिटी का आपको एक बुक देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छी चीज़ है, कभी कभी अकेले जाते हैं कुछ बैग टांग के ले जाना पड़ता है, पता नहीं चलता कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। एंड ऐसे ही आपको ड्राइवर साइड सीट के पीछे भी देखने के लिए मिलता है, बहुत बढ़िया, इतना भी ज़्यादा कुछ टांग के नहीं ले जाना पड़ता हमें। नई चीज़ हम आपको दिखा नहीं देते, देखो हमें भी मज़ा नहीं आता है इसमें। रियर साइड में जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं इसकी जो सीट है ना, आप उसको लिफ्ट कर सकते हो। ये इसमें लीवर होता है और जो कि एक स्ट्रैप के थ्रू अटैच्ड है, आप इसे पकड़ो और इसे ऊपर की तरफ उठा दो तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारा स्पेस आ जाता है कार में। इसको आप वापस छोड़ सकते हो, वो अपनी जगह पर चली जाएगी। एंड ऐसे ही दूसरी तरफ की सीट भी, क्योंकि एक 60-40 में रेशियो में स्प्लिट है ये सीट, तो ये आपको यहाँ पर एडवांटेज मिल जाता है। इसी तरीके से आप दूसरी साइड की सीट भी उठा सकते हो, तो आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है इसमें सीट को एडजस्ट करने के बाद में सामान रखने के लिए। उसी तरीके से सीट नीचे आ जाएगी,